मेरे पति को कुछ हो गया ना हॉस्पिटल को सब ऐसा कर दूंगी ऐसा तैसे कर दूंगी सब उल्टा सीधा ऐसा और रोने लगी बहुत। देखो काम तो सब हो रहा है लेकिन मम्मी बच्चों को केक भी पका लेती हैं ये दोनों पकड़ के बैठे भी हैं जिनके साथ खेलने को भी काफी हो जाता है। तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है रीड मी देन गीत की फैमिली के ब्लॉग में। रचना क्या हो रहा है? भैया आज गीत को स्कूल भेजना है, फटाफट से नाश्ता बनाया, खाना बनाया और अब आके बैठी हूँ क्योंकि ये दोनों गुस्सा करने लगे कि मम्मी हमको छोड़ छोड़ के भाग जाती है। तो चिल्ला रही है, ये कब से चिल्ला रहे थे, कौन चिल्ला रहा था, ये चिल्ला रीत चिल्लाती रीत। और इन दोनों की बहुत बुरी हालत हो रही है, आज इनको नहलाना पड़ा, मुझे बहुत गंदे दिख रहे हैं घर के। हाँ गीत नहा चुकी है, चलो रुको 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 मिलते हैं जल्दी। इज गोइंग स्कूल, दोनों बेबी देखो बात कर रहे हैं, बहुत देर हो गई है। मेरे को दे दे मैं बैठूंगी। नहीं उतर नीचे उतर सिंधु बाबू। दोनों इतने मस्ती खोर हो गए, हालत देखो उनकी। मंगू माला मंगू लाल, ये दीदी स्कूल जा रहे हो? मैं मम्मी छोड़ने जाएगी, आ जाना तीन दिन बाद स्कूल जाएगा। गीत को छोड़ दिया, ऑटो वाले भैया ने बहुत हेल्प करी थी उस दिन सच में। देखो पैसे देना अलग चीज़ होती है, हेल्प करना आप किससे मांग सकते हो, ऊपर तक छोड़ने जाना। पैसे की भी उन्होंने कोई डिमांड नहीं की थी, मैंने ही दिए थे खुद से। तो देखो कौन कब काम आ जाए, बड़े बड़े लोग बस कहने का। पराठे बनाए थे और शिमला मिर्च आलू की सब्जी, दाल बना दी है फीकी सी, इसमें चावल बन रहे हैं, दलिया बन गया है, रोटी नहा के बाद में बनाऊंगी। इतना काम फटाफट किया और आप पहली बार ऐसा होगा, आप लोग देख रहे हो मेरे बच्चों की हालत कैसी हो रही, कितने गंदे दिख रहे हैं, पीछे बर्तन भी दिख रहे होंगे। मुझे जल्दी खाना इसलिए भी बनाना पड़ा क्योंकि बर्तन वाली दीदी आती है 11 बजे, तो उससे पहले जितना बर्तन हो सके निकालना जरूरी क्योंकि शाम तक बहुत किल्लत आ जाती है बर्तनों की, तो उस हिसाब से मैनेज करके सारे काम करने पड़ते हैं। देखो मेरे बच्चे की नाक भी आ रही है, कैसा लग रहा है मेरा बच्चा। बस करती हूँ किचन समेट के ताकि बर्तन हो जाए, फिर इन लोग को नहलाना, आज नहलाऊंगी इनको अच्छे से। और माल्या जी का भी प्रॉब्लम है, टाइम लगेगा हील होने में 1 हफ्ते तक, तो उन्हें दिक्कत हो रही है उठने बैठने में, पेन बहुत है, मोशन में सब चीज़ों में भी बहुत तकलीफ है। नहीं नहीं कर लेना है, बिना पकड़ के खड़े हैं जरा भी नहीं 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 खड़ा हूँ रीत, बिना उसके खड़े हैं अपन, बिना पकड़ के बात भी करें। बहुत मस्ती खोर हो गए हैं, परेशान कर रखा है सुबह से सबको। अब खाने की चीज कोई खाते हैं ना, बिना खाने की चीज को थोड़ी खा सकते हो। देखो उठा लीजिए, क्या मस्ती खोरी चल रही है, तबीयत ठीक है आपकी? यही गिरेगा गिरेगा, देखना पीछे सपोर्ट खत्म होता जा रहा है, गिरेगी बेचारी, गिरेगी गिरेगी 100% गिरेगी यार। मस्ती कितनी आ रही है उसको, अच्छा ना बिना पकड़ खड़े तो। अब देखो कैसे उठाती है, ये देखो ये स्टाइल से। ये क्या दीदी सो रही है? कौन होगा मैं मस्ती खोर लड़की के अलावा? दी पापा 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 पापा। हेलो दोस्तों, 2 से ऊपर हो गया, गीत आने वाली है और गीत के आने से पहले गीत का भी टाइमिंग अच्छा है, लेट जल्द होता रहता है चेंज हुई। माधव जी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कल लूज मोशन हुई थी, दवाई ले आई तो ठीक हो गई डॉक्टर ने जो लिखी थी, अभी इनको छाछ पीना है, दही भी बहुत खट्टा हो गया था तो मैं नया दही ला रही हूँ। एंड मम्मी कल जाने का बोल रही यार, देखो काम तो सब हो रहा है लेकिन इतनी हेल्प हो जाती है कि मम्मी बच्चों को एक को भी पकड़ लेती हैं या दोनों को पकड़ के बैठे भी हैं, गीत के साथ खेल रहे वो ही काफ़ी हो जाता है यार। अब उतना भी अवेलेबल नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। अब ठीक है यार, उनकी मजबूरी, बहुत दिन हो गए, वो उनको क्या पता था कि मालवा जी के साथ ऐसा हो जाएगा। चलिए चलते हैं भैया,
दही और छाछ का पैकेट दे दो। नमस्ते। यहाँ हीरो हीरोल यहाँ मोबाइल चला रहे हैं। और क्या हाल चाल? भैया का ऑपरेशन हुआ है ना, मुझे भाग दौड़ करनी पड़ रही। छाछ भी दे दो। भैया ने डाली थी पोस्ट ना। हाँ अच्छा अच्छा। मम्मा हाँ ओहो चिप्स नहीं है। शोभित ने मारा, शोभित ने मारा। हाँ क्या हुआ बेटा? गीत का बर्थडे था? नहीं, गीत बैठी थी। कहाँ बैठी थी? नीचे। आज नीचे बैठा था? नहीं, पनिशमेंट करी थी क्या? मैं चलो स्कूल जाके, स्कूल जाके आराम से पूछती हूँ क्या सीन है। अभी तो मुझे बहुत भूख लग रही, सुबह से नहीं खाया कुछ। खाना खाएंगे है ना? नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्यों नहीं खाना? टिफिन फिनिश किया? क्या भैया रीत, दोनों के दोनों चिपके रहती हैं। ये नहीं, दादी आई दो तीन दिन के लिए, आज चली जाएंगी। दादी खेल, उनके साथ खेल लो। दादी, दादी साथ नहीं खेलना? क्यों मम्मी? फिर फाइनली तुम कल जा रही हो? हाँ भैया। अरे यार मेरे ताओ इधर। फिर दो दिन तीन दिन और रुक जाए यार मम्मी। यार तुम कैसे करते हो? कब आओगे फिर? जब तू बुलाएगा। अभी जाऊंगी बाबू बुलाएगा। जैसी अभी आ गई, अभी मैं दोबारा आ गई। नहीं तो मैं इस बार ऐसे नहीं, बीमारी में मैं जाऊंगी। मैं इतना ही दिन के लिए आऊंगी। होली में जाओ, होली में घूमने चले। अभी होली में गेहूं कटेंगे। तो दोस्तों कल मम्मी जा रही हैं, बहुत बुरा लगेगा इस बार मुझे। हर बार की तरह इस बार तो ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि इस बार मेरी तबीयत बहुत खराब है। मम्मी थी तो हम थोड़ा बहुत रचना ज्यादा काम कर पा रही है, किचन में रुक पा रही है, या मेरी ड्रेसिंग कर पा रही है, क्योंकि बच्चों के और गीत के बिना ही ड्रेसिंग कर सकते ना उस रूम को बंद करके, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड। अब मम्मी है, बच्चों को रोक लेती। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही होगा कि बच्चों को रोकेंगे कैसे फिर हम? बच्चे रोते रहेंगे अदरवाइज हम उस रूम में रहेंगे तो। और फिर आज थोड़ी सी तबीयत ठीक है मेरी कल के मुकाबले, और बस यार अच्छा ही लग रहा है, तो इसलिए दिन भर ब्लॉगिंग मैंने तो नहीं करी यार। तो चलिए फ्रेंड्स, माले जी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, पेन है, 7 दिन शायद रहेगा, लूज मोशन रुक गए दवाई से। ये सब मत बताया कर यार। तो चलिए आज मम्मी और मालवीय जी से कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए जाएं। टीवी को कर दिया है पॉज, और मालवीय जी यहाँ बैठे हैं, मम्मी जी यहाँ बैठी हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो मालवीय जी से शुरू करते हैं। मालवीय जी, हम जानना चाहते हैं आपके ओटी का एक्सपीरियंस। क्या आपका दिल धक 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 कर रहा था? डर आपको लग रहा था, आप बताना नहीं चाहते थे? और आपको जब भी डर लगता है तब क्या होता है? दुनिया ये भी जानना चाहती है क्या होता है। आप वॉशरूम भागते ना मम्मी? क्या मम्मी ये सच है? हाँ। ये हमारे खानदान, मैं मामा वाले खानदान की बीमारी है हमारी तरफ। मेरी बात सुनो दोस्तों, ओटी की मम्मी क्या कह रही? नानी को भी ऐसा होता था, घबराहट टाइप की होती थी। नानी, मामा, मेरे को भी होता है, मौसी को भी होता है, सबको। मम्मी को? मम्मी नहीं। अच्छा मैं कह रहा था दोस्तों कि जब ओटी के ले जा रहा था तब तो नो डाउट पहली बार हो रहा था, और जब आपके बच्चे छोटे छोटे हो रहा तो मैं इमोशनली प्लस एक डर तो लग ही रहा था कि क्या होगा, कुछ बिगड़ ना जाए। हालांकि पता था ऑपरेशन छोटा सा है, मगर बुरा होने, जब एक के साथ एक बुरा हो रही चीजें, पर्स गुम जाना, गांव भागना, फिर यहाँ पे ये सब हो जाना, जब बुरा हो रहा है तो ऐसे लगने लगता है यार पता नहीं अब और क्या बुरा होगा। तो भाई गए भगवान का नाम लेके, माता रानी का नाम लेके, फिर उन्होंने क्या करा, एक मुझे रिकवर रूम में पहले पटक दिया, क्योंकि वो ओटी डॉक्टर पहुंचे नहीं थे। तो जब ये पता नहीं कि डॉक्टर क्यों लेट हो गया था, 4 बजे, 6 बजे, फिर 7:30, 7 बजे का बोला, 7 बजे ले तो गए, पर डॉक्टर आई नहीं, 8 बजे तक नहीं आया। फिर मेरा दिमाग वहां खराब हो गया, मेरे डॉक्टर पता नहीं कब तक नहीं आएगा वैसा लगे। तो मुझे, क्योंकि रचना को घर जाना था, सूरज को भी घर जाना था, मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी यार कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है फिर भी, मगर या तो मैं सूरज को भेज दूं या सूरज को रोक लूं, मुझे कुछ भी समझ में आता। मैं वहां नर्स से मैं लड़ लिया था थोड़ी देर के लिए, नर्स से लड़ लिया था कि मुझे वापिस ऊपर जाना था, डॉक्टर से बात करो कि क्यों नहीं आए। क्यों रचना, तुम्हारी बात हुई थी डॉक्टर से? क्या बोला था डॉक्टर? पेशेंट पे गुस्सा करना, डांटना, डरना लाजमी था, लेकिन अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुने तो इमरजेंसी केस आ गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर किसी और हॉस्पिटल में फंस गए थे, और ऑब्वियस ये तो मालवीय जी को ही पता है इंदौर का ट्रैफिक, तो वहां से आने में वो लेट हो गए थे। अगर ये सच्चाई है तो फिर हमें उनकी बात समझनी चाहिए, पर दोनों अपनी जगह सही है, दोनों अपनी जगह सही है। बीइंग अ पेशेंट, मालवीय को अपने बीवी बच्चों की बहुत टेंशन थी, मुझे पता है, इसीलिए
गुस्सा आ रहा था, वो डर तो था, मुझे पता था इन्हें डर तो लग रहा है मेरे बच्चों के लिए। नहीं तो मम्मी क्या कह रहे थे कि तुम्हारी लड़की मम्मी मम्मी किससे लड़ाई किससे हुई, किसी रोने लगी थी, वो डॉक्टर से लड़ रही थी कि अगर मेरे पति को कुछ हो गया ना तो मैं जैसा हॉस्पिटल को सब ऐसा कर दूंगी, सबको ऐसा कैसे कर दूंगी, सब उल्टा सीधा ऐसा, और रोने लगी बहुत बहुत ज्यादा रोने लगी, मेरे को भी आंखों में आंसू आ गए थे। क्यों रखा मुझे तो पता नहीं चला ऐसा। एक्चुअली हुआ क्या था, डॉक्टर और हमारे बीच में एक कोऑर्डिनेटर थे जिनके थ्रू हम डॉक्टर को डायरेक्ट रीच नहीं कर पा रहे थे, हम तो ऑलरेडी लेट हो गए थे ना। अब क्या हुआ, मुझे जब जाना था 9:30 पे तो मैंने उनसे कहा कि आपने दिन में क्यों नहीं किया, मैं मालवीय जी के पास आफ्टर ऑपरेशन रह सकती थी, अब मैं उनके पास रुक नहीं सकती, 2 घंटे रिकवरी रूम में रहेंगे, मेरी हालत समझो, 3 बच्चों के साथ रात को 10 बजे मुझे वापस जाना है, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगी, उनके पास नहीं रह पाऊंगी ओटी के बाद जब उन्हें मेरी जरूरत है। तो वो सॉरी कह रहे थे, तो उसमें मैंने चिल्ला दिया, मैंने कहा मैं अगर फिर मैंने चिल्ला चढ़ के कह दिया मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, मैं बताऊंगी आपको और आपके हॉस्पिटल को रिव्यू। तो हॉस्पिटल स्टाफ ने थोड़ी कोऑपरेशन भी नहीं किया था, मैंने कॉल करने को बोला था कि ओटी में पूछ लीजिए क्या वो चले गए अंदर, तो कोई रिप्लाई नहीं दे रहे थे, तो मैं गुस्से में कह रहे थे बताऊंगी मैं रिव्यू। फिर मैंने जब फोन काटा मैंने कहा ऐसा ना हो वो डॉक्टर को बोल दे और ऑपरेशन भी काट दे, मैं डर गई। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा इनका ऑपरेशन अच्छे से हो जाना चाहिए, ऐसा वैसा मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैंने फिर ऐसे मेरे को रोना तो आ ही रहा था, मैम टेंशन मत लो, मेरे को ऑपरेशन कम से कम अच्छे से होना चाहिए, लेट हुआ तो हुआ, ऑपरेशन में कोई गड़बड़ हुई तो सोच लेना, फिर नहीं बोला मैंने, फिर प्यार से बोला, मैं डर गई थी कि गड़बड़ ना कर दे, कहती जा रही थी कि कुछ ना मेरे पति को कुछ हो गया फिर देखना, रचना इतनी बोली पहले चिल्ला तो दिया, फिर उसको लगा कि ऑपरेशन बिगाड़ देंगे, डॉक्टर कभी ऐसा नहीं करेगा कि बदला लेने के लिए ऐसा नहीं, डॉक्टर फिर उन्होंने बिठाया मुझे पर्सनली, मुझसे सारी डिटेल आफ्टर ऑपरेशन। अब वो मेरे पहले बोलने से पहले मैं अपने ऑपरेशन का बता दूं, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा ओटी का, सच में हार्ट बीट तो बढ़ते जा रही थी, मुझे लगा पता नहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा हार्ट बीट या बीपी बढ़ जाए, ये लोग मना करते हैं ऑपरेशन आज ना हो, फिर मुझे वहां भी कंट्रोल करना है, फिर अपने आप को संभाल रहे हैं, एक तरफ वहां बैठे थे एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर बैठे थे, पारस सर बैठे थे, दो उनके असिस्टेंट थे जो कि ऑपरेशन करने वाले थे, मुझे उन्होंने ओटी टेबल बैठाया, वो ओटी टेबल बहुत छोटी थी, तो मैंने बोला बहुत छोटी नहीं है, मजाक करने के लिए कि अपने आप को भी काम डाउन करने के लिए, उन्होंने कहा भाई साहब अगर पलंग जितनी बड़ी हो जाएगी तो डॉक्टर के पलंग में बैठ के ऑपरेशन करेगा, वो तो चलो कर भी लेगा, हम उसके 4-5 स्टाफ भी सब बैठ के आदमी उठाएंगे, तो मैंने कहा हाँ यार सच बात है, सोचने वाली बात है, 8:30 में मुझे अंदर गया था, डॉक्टर 9 बजे आए थे, हाँ तो 9 बजे डॉक्टर आए, मुझे एनेस्थीसिया दिया पहली बार, मुझे यहाँ पे रीढ़ की हड्डी में उन्होंने सुई चुभोई, फिर उन्हें कैसा लग रहा है, मेरे सर दर्द हो रहा है, के लिए बस अब मैं दवाई डालूंगा, बाद में दवाई डाली उन्होंने, हिलना नहीं, अपने आप बॉडी पूरी कॉम छोड़ देना, अदरवाइज 2 से 3 बार चुभानी पड़ सकती है, क्योंकि सही से नहीं गई तो पूरी बॉडी रिलैक्स करो, मैं इससे क्या रिलैक्स करूँ, पूरी बॉडी रिलैक्स, पूरा शरीर छोड़ दो, छोड़ दिया, फिर उन्हें रीढ़ की हड्डी में लगाया, फिर जैसे डालो ने कहा कि देखो हल्की झिंझना और पैर में जलन हुई, मैंने कहा हाँ एग्जैक्ट हुई, धीरे 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 पैर और ये निचला हिस्सा पूरा सुन हो गया, धीरे धीरे पैर सुन हो गया, दोनों पैर को उठा के उन्होंने वहां पे रख दिया, जैसा वो डिलीवरी टाइप का होता, मैंने जहां तक देखा है, मुझे नहीं नसीब हुआ वो, कभी भी हैंगिंग मार दिया, और वो फिर उन्होंने अपना शुरू कर दिया, हमेशा दर्द होगा, केले इतना ही फील होगा जितना कि हम किसी चीज को टच कर रहे हैं, फिर वो आपस में बात करने लगे, MRI के जैसे 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 MRI में वैसा वैसा, क्यों रो क्यों रहे हैं मम्मा, उसको पता है मम्मा किचन भग जाती है ना, मुझे छोड़ छोड़ के, तो जैसा जैसे MRI में था और डॉक्टर वापस बात करते, देखो जैसा MRI में वैसा का वैसे ऑपरेशन कर रहे हैं, एक गठान सी निकली है, मुझे बताने आया है, देखो एक इधर है एक इधर है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे बस ठंड लग रही थी, उन्होंने बहुत सारी चीजें लगी हुई थी यार, मैं बोल रहा था बार बार मुझे कंबल उड़ा दो, ठंड बहुत लग रही थी, हो सकता है वो दवाई की वजह से ओटी रूम की वजह से हो, तो 9:30 तक वो आधा घंटे ऑपरेशन चला, आधा घंटे वो सब आपस में बात, मैं बहुत सारा नहीं बताना चाहूंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, मगर वो डॉक्टर ने क्या बोला उस चीज के बारे में, गठान के बारे में, उससे डॉक्टर ने पूछा कि आप बचपन में कभी गिर गए थे क्या, किसी चीज से एक्सीडेंट हुआ था बैक के बल गिरे थे क्या, मैंने कि नहीं, फिर केले ये कैसे, क्योंकि इनको लग रहा था हड्डी डैमेज हो गई थी उस जगह पे, डैमेज होने की जगह पे वहां पे गठान बन गई और वहां पे पस आ गया था, केले ऐसा कुछ हुआ होगा, मैंने कहा मुझे इतना तो याद नहीं है कि मैं गिरा हूँ, बचपन में खेलते कूदते कितनी बार गिरोगे किसको पता है ना, तो मुझे वो तो याद नहीं है, हाँ ये है कि मैं जब भी हार्ड सरफेस पे बैठता था बचपन में या मतलब पहले से ही था, मुझे याद है तब मुझे बहुत ज्यादा पेन होने लगता था, तो इसलिए मैं अभी भी इग्नोर कर रहा था, मैं अपने आप से हो जाएगा, बट यू नीड टू चेंज योर ऑफिस सीट जो है और बाइक की, बिल्कुल चेंज करूंगा, तो उन्होंने ये ध्यान रखना कहा है, बस और क्या इतना ही हुआ, मतलब एक लाश की तरह उठा के
उस पे लेके आए स्ट्रेचर। आप वहाँ आए फिर आप मुझे कौन आया मेरे यहाँ, कौन आया मुझसे मिलने, कौन मिलने? डॉक्टर ने कहा कि इनके पेशेंट को दिखा दो, उनको घर जाना है। कौन आया बुझू, मैंने कहा यहाँ भी आप चुप नहीं रह रहे। मैं तो चुप तो था ही नहीं, अंदर भी हम बात ही कर रहे थे, कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे थे और क्या। अब उन्हें वही सबसे बड़ा बुरा पार्ट ये लगा कि मैं लाल उठ ही नहीं पा रहा, हिल ही नहीं पा रहा हूँ, तो उन्हें उठा के और धक्का देते हुए स्ट्रेचर पे लाया, फिर पलंग पे रखा। तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? बीवी बच्चे, ऑब्वियस है यार, बीवी बच्चे, क्या हो गया, कुछ गलत ना हो जाए, वैसा ना हो गया, क्योंकि हमारे एनएसटी से गलत लगने हो, जैसे वो बेड पे हो गए थे काफी दिन तक रहना। आपको क्या लग रहा था एज अ माँ, आपको क्या लग रहा था क्या चल रहा है मेरे बेटे के साथ? बहादुर बच्चा है, सही करेगा, ठीक करेगा, एग्जाम दे देगा, रानी सब ठीक करेगी, और क्या, माता रानी के नाम लेकर। और रात भर क्या हुआ, आप परेशान हुए वहाँ पे? बस रात भर बाटल लगी और रात भर हम उनकी देखभाल कर रहे थे, जागते रहे। स्टिचेस नहीं लगते ना उस जगह, बाटल खत्म हुई उसको बुला के लाओ, घंटी बजाओ। हाँ क्या? हाँ रीत मीत तो दोस्तों इनको नहीं दिखा रहे थे कैमरे में, हम ही हम बात कर रहे थे इसलिए चिल्ला रहे थे। ये देखो अभी अभी देखो कितने प्यार से, कहाँ हुई थी पापा को था? अरे यार बेटा हैंड बोला ना, हैंड हैंड। ये भी डर गई थी मुझे वहां से आया था तब, देख फिर रोने लग जाती पापा को, ताता ऐसा। अच्छा क्यों रचा तू मुझे तरह थे, जैसे ही बोले थे पापा ताता गए तो रोने? हाँ मैंने कहा पापा हॉस्पिटल में, पापा को ताता हुए तो रोने लग जाती है, पापा पापा करके वहाँ पे ले गई थी ना। हाँ मान लो मैं इसका शरीर बंधा देख के कहीं दादी चलो डर पापा लग, डर मिलना भी था पापा को घर जाने से पहले, पापा पापा देख के डर के और कहा चलो दादी बच्चा सबसे बहुत भैया गिर मत जाना था ना इसलिए वो डर गई। पापा सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है? अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे लाइन में ही खड़े, तीनों लाइन में ही खड़े भैया। ओ गिर पड़े। तो दोस्तों अच्छे लगा हो हमारा आज का वीडियो, स्पेसिफिक बनाया था सिर्फ इसीलिए कि जो लोग जानना चाह रहे थे भाई साहब आपने कैसा फील किया, और ये लोग भी जानना चाह रहे थे, मैं खुद आपको बताना चाह रहा था। जय माता दी बोलो, जय माता जी, जय माता दी दी, बाय कर दो, बाय बाय।